पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जन्माष्टमी कैसे गुरुकाल ने नागिन को जड़ी बूटी लोग से चुराए हुए जहर से मुझे डसने भेजा जिससे कि मैं सांप बन जाऊं। नागिन ने कालिया नाग का रूप लेके हमारे स्कूल ड्रामा में आके हम पे हमला किया और हमने उसे वहां से भगा दिया। नागिन ने वापस हम पर हमला करने का प्रयत्न किया और विशु उसके जहर का शिकार हो गया। विशु सांप में बदलने लगा है। अब आगे विशु धीरे धीरे सांप बन रहा है। ये तभी हो सकता है जब इस पर किसी ने विषैली जड़ी बूटी का प्रयोग किया हो। ये जरूर गुरुकाल की ही चाल है। ऐसे काले जादू और काले कारनामे से वही कर सकता है। अब मुझे शक है हांडी के प्रसाद में विष अभी के लिए मिला है। सहयोग से उसे पहले विषु ने चख लिया। हमारे पास समय बहुत कम है माँ। अगर इसे वक्त पर ठीक नहीं किया गया तो यह हमेशा के लिए सांप बन जाएगा। सारी चाल पर पानी फेर दिया। जो जहर मैंने अभी के लिए बनाया था वो विषु को लग गया। गुरुकाल आप शांत हो जाइए। तो क्या हुआ उसने गलत लिया तो हम अभी को अभी भी तो जहर दे सकते हैं ना। नहीं वो विशेष विष की गोलियां मैं छोटी बूटी लोग से चुरा कर लाया था जिसे मैंने तुम्हें दूध मिलाकर दी थी। वो आखिरी गोलियां थी। अब हमारे पास कोई गोलियां नहीं बची तो अब हम क्या करेंगे गुरुकाल। गोलियां सिर्फ बड़े वैद्य बना सकते हैं। इससे पहले कि अभी उन तक पहुंचे मुझे जड़ी बूटी लोग जाकर बड़े वैद्य का अपहरण करना होगा। अभी और इसी वक्त। बड़े वैद्य के पास पहुंचो। ये जहर उन्हीं का बनाया हुआ है और इसका इलाज भी उन्हीं के पास है। चल बॉस हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैं चल। हाँ एक बात और वहाँ जाते ही तुम्हें एक सारथी मिलेगा वो तुम्हें वहाँ पर बड़े वैद्य तक ले जाएगा। ठीक है चल माया। अभी आप इस पर बैठ जाइए ये आपको बड़े वैद्य जी तक ले जाएगा। धन्यवाद। माया यही है वो सरदी जी जिसके बारे में ज्ञान पढ़ने ने हमें बताया था। चल आप यहां पर कैसे। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने आपको बड़े वैद्य जी तक भेजा था। ये क्या चक्कर है बॉस। माया हो नो वो गुरुकाल ही होगा जो मेरे फेस में बड़े वैद्य जी के पास जा पहुंचे। इससे पहले कि वो गुरुकाल वहां पहुंच के कोई अनर्थ कर दे हमें जल्दी से बड़े वैद्य जी के पास पहुंचना होगा। मतलब अगर आप समय पर बड़े वैद्य जी तक नहीं पहुंचे तो आपके दोस्त के साथ साथ बड़े वैद्य जी की जान को भी खतरा है। फिर तो मुझे तुमको उन तक तुरंत पहुंचाना होगा। पर कैसे सारथी जी यहाँ पर तो कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए शुभ कार्यों का सदा सहयोगी है ये सारथी। इस उड़ते हुए हाथी के बगैर बड़े वैद्य जी तक पहुंचना नामुमकिन है। अब आप जल्दी कीजिए और इस पर बैठ जाइए। जी
तुम कौन हो? मुझे किसी जरूरतमंद के आने का आभास हुआ था, पर वो तुम नहीं हो। मैं जानता हूं, इसलिए उस जरूरतमंद से पहले मेरा यहां पहुंचना बहुत जरूरी था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम तो सुना होगा तुमने। मैं हूं जल्द ही रुद्र का अमृत पाने वाला और तीनों लोकों का सम्राट बनने वाला, कालों का काल, गुरु का। अपने होने वाले सम्राट की आज्ञा का पालन करो। मुझे वो विशेष विष की गोलियां दे दो जो कुछ ही समय पहले मैं यहां से चुरा कर ले गया। क्या? तो वो तुम थे जो वो गोलियां चुरा कर ले गए? अवश्य ही तुमने उसका दुरुपयोग किया होगा। लेकिन एक बात याद रहे गुरुकाल, कि मैं तुम्हारी काली करतूतों में शामिल नहीं होऊंगा। शामिल नहीं होंगे तो मौत को पाओगे वैद्य। गुरुकाल को ना सुनने की आदत नहीं है। उन गोलियों की और तीन खुराक मुझे दे दो। कभी नहीं। दूसरा मौका दे रहा हूं तुम, विशेष विष की गोलियां दे दो। नहीं, तुम मुझे इस तरह से भयभीत नहीं कर पाओगे। देखता मैं तुम्हारा क्या हाल कर। वैद्या, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तीसरा और आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम्हारे मुंह से ना शब्द चढ़ते हैं उसी वक्त तुम्हारी खोपड़ी का मैं ऐसा हाल करूंगा। देखो। ये उचित नहीं है, ये अन्याय है। मैं अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, ये प्रवचन गुरुकाल को क्रोध देता है। विशेष विष की गोलियां दो या मारो। मुझे मारकर तुम ब्रह्म हत्या के पापी बनोगे। तुम्हारा बहुत बुरा होगा। हाँ तो बहुत बुरा। तीन तक गिनता हूं, फिर भी तुम नहीं माने, तुम्हारी समाधि इसी कुटिया में बनेगी। तीन, दो, एक, शून्य। नहीं नहीं, रोको इसे, रोको। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। तो दे दो मुझे विशेष विष की गोलियां। तुम मेरी आखिरी गोलियां खुद चुरा चुके हो। उन्हें बनाने के लिए मुझे उस विशेष विष के आखिरी शिकार का अंश चाहिए। उसी अंश से वो गोलियां बनेंगी। विशेष विष का आखिरी शिकार यानी विषु। नागिन। जी गुरुकाल। सूरजपुर जाओ और विषु के शरीर का अंश लेकर आओ। जाओ। नागिन का विषु का अंश लाकर देने तक मुझे माया और रवि को यहां पहुंचने से रोकना होगा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी और विषु की जान बचानी है तो मावी चाबी मुझे दे दो, नहीं तो तुम लोगों की मौत के साथ ये खेल खत्म होगा। माया, हमें अपने साथ साथ इस आदमी को भी बचाना है, वरना हम बड़े बड़े जीते नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी बेगुना को मरने नहीं दे सकता।
मैं मुसीबत से मुक्ति। साहब की प्रवृत्ति हावी हो रही है, अब हमें इससे दूर रहना चाहिए। यह अनजाने में किसी की भी जान ले सकता है, क्या पता इसके काटने से कोई और भी सांप बन जाए। लेकिन आदित्य, हम इससे दूर कैसे रह सकते हैं? देखिए ना, इसे कितना कष्ट हो रहा है। भावनाओं में मत बहो रुक्मिणी, दिमाग से काम लो। ऐसी हालत किसी और की हो गई तो हम क्या करेंगे? रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, माँ इसे कमरे से बाहर ले जाओ। नहीं आदित्य, मैं विश्व को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मनी, आदित्य ठीक कह रहा है, विश्व तो अपना बच्चा है, पास रहे या दूर, और फिर आदित्य तो है ना उसके पास। तुम चलो मेरे साथ। तुम यहां क्या कर रही हो? आगे तो मैं नहीं छोड़ू। रुक जा बेटा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दीदी मुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ ये क्या आपने गड़बड़ कर दी, मैं आगे जाना चाहता हूँ और पीछे जाए जा रहा हूँ। ये ठीक नहीं हुआ माँ, नागिन विशु का अंश ले गई, अब न जाने गुरुकाल इसका क्या इस्तेमाल करेगा। बच्चों की जान खतरे में है माँ। जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती उनके कृष्ण भगवान होते हैं। तुम डरो मत, देखना कृष्ण भगवान बच्चों का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। गुरुकाल ये लीजिए। हाँ विशु का अंश, और उसके बाद विशेष विष से अभी बनेगा सांप। और मायावी चाबी का मेरा रास्ता साफ। अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए, तो मेरा काम ऐसे ही हो रहा है तो तुम्हें मार के मेरा फायदा क्या? हाँ।
रोक पाए हो। शिशु की जान बचाने तुम्हारे पास मुझे सिर्फ मायावी चाबी देने तक का वक्त है। वो सांप बन जाएगा और तुम अपना दोस्त खो बैठोगे। चाहे कितनी भी चाली चल लो गुरुकर, हम रुद्र के रक्षक है। तुम से बुराई के बिरादरी को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। रुद्र के रक्षक, रुद्र के रक्षक, रुद्र के रक्षक। सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। एक बार मेरी जादुई जंजीर से तुम बच जाओ, ये विशेष विष की गोलियां गले में उतार दूंगा। माया, 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 उठ जा, माया, उठ जा। देखो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम जल्दी से दक्षिण की तरफ खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ। वहां से मैं शत्रु संहारक धर्म चक्र का आह्वान करूंगा। उस चक्र का अधिकारी कोई रुद्र का रक्षक ही हो सकता है जो कृष्ण भक्त हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दक्षिण की ओर देखने के लिए खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसी जगह खड़े होना जहाँ पर तुम पर कोई परछाई ना पड़े। जी ठीक है। जय गोविंदम, जय मुरारी, जय गोविंदम, जय मुरारी। खड़े बन जा सांप। जय गोविंदम, जय मुरारी, जय गोविंदम, जय मुरारी। चाबी मिलेगी, इनको बहुत मिलेगी। है मेरे जादुई जंजीरों, इसे पीस कर हड्डियों को चकनाचूर करके मार दो। बेटा तुम ठीक हो ना? जी। जय गोविंद, जय मुरारी। आयुष्मान भव बेटा। ये लो भी बेटा, इस जड़ी बूटी को ग्रहण करके तुम्हारे दोस्त पर उस विष का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। चल माया। हाँ बॉस।
विशु, 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 तू ठीक है? अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? पहले सारथी, फिर मोरपंख, और आखिर में अपने चक्र से कृष्ण भगवान ने हमारी हेल्पर पर मदद की। के बिना आज हम जीत नहीं पाते। सच, कृष्णा की लीला तो अपरंपार है। मम्मी, मम्मी कहाँ है? खाई नहीं दे रही है। बैठी है अपने बांके बिहारी के पास, विशु के ठीक होने की विनती कर रही है उनसे। विशु, विशु तो ठीक हो गया? अभी माया कहाँ थे तुम दोनों? हम वैद्य जी से मदद मांगने गए थे जिससे कि विशु ठीक हो पाए, और देखिए वो ठीक हो गया। बोलो जय गोविंदम, जय मुरारी, जय मुरारी।